हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके जीमेल अकाउंट का ईमेल एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि इस ईमेल एड्रेस पर आने वाले सारे मेल्स को आप नए ईमेल एड्रेस पर कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो। दोस्तों जब हम अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तब वहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं और फिर हमें पछताना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ, इससे आपके पुराने ईमेल एड्रेस पर आने वाले सारे ईमेल्स नए ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देख लेना, कोई भी स्टेप मिस मत करना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग रहने वाला है, और ऐसे हेल्पिंग वीडियोज़ मेरी तरफ से हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ताकि आप कभी भी कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सको। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा वो बिल्कुल मैं लैपटॉप और कंप्यूटर पर बताऊंगा, वैसे ही प्रोसेस आप आपके मोबाइल पर भी कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करना होगा और वहाँ पर टाइप करना होगा gmail.com, और बिल्कुल उस अकाउंट में लॉगिन करना होगा जिस अकाउंट के सारे ईमेल्स आप नए ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड करना चाहते हो। यहाँ पर मैं ऑलरेडी अब उस अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। जैसे ही आप लॉगिन हो जाओगे आपके सामने आपके जीमेल के सारे ईमेल्स नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको क्विक सेटिंग्स में सी ऑल सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपके सामने जीमेल के सारे सेटिंग्स नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई एम एपी का एक ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको पहला ही ऑप्शन फॉरवर्डिंग का मिलेगा, और बिल्कुल उसके सामने ही ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुल जाएगा जहाँ पर लिखा गया है प्लीज एंटर अ न्यू फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस। यहाँ पर आपका नया ईमेल एड्रेस एंटर कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस एंटर करना है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर एक नया ईमेल एड्रेस एंटर कर देता हूँ मेरा, और नीचे अब आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी जहाँ पर लिखा गया है फॉरवर्डिंग मेल टू, और बिल्कुल यहाँ पर मेरा नया ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो अब आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पर लिखा गया है कि एक कन्फर्मेशन कोड भेजा गया है आपके नए ईमेल एड्रेस पर, तो बिल्कुल आप वेरीफाई कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर कन्फर्मेशन कोड आया कि नहीं मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो कन्फर्मेशन कोड आ चुका है, और यहाँ पर मैं अब ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर अब आपके नए ईमेल एड्रेस पर आया हुआ कोड यहाँ पर टाइप करना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको फॉरवर्डिंग के ऑप्शन के सामने दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिसेबल फॉरवर्डिंग, और दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ इनकमिंग मेल टू। ये बिल्कुल मेरा नया ईमेल एड्रेस है, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर अब आपको कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर अब आपको नीचे जाना है, और नीचे आपको सेव चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव चेंजेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है यू आर फॉरवर्डिंग यूर ईमेल्स टू, बिल्कुल ये नया वाला ईमेल एड्रेस है मेरा, और ये नोटिस बिल्कुल 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आप आपके जीमेल अकाउंट के ईमेल एड्रेस को चेंज कर सकते हो, यानी कि आप आपके जीमेल एड्रेस पर आने वाले सारे ईमेल्स को नए ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको इस वीडियो में सारी कुछ बातें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो हमेशा की तरह हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोस आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।